स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन वंस अगेन कम बैक टू द फर्स्ट चैप्टर इन सिविक्स. द टॉपिक इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. क्लास सेवन के स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी पर टॉपिक भारतीय संविधान में समानता के बारे में पढ़ते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेड एवरी पर्सन एज इक्वल. भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समानता का सुअवसर प्रदान करता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल क्लासेस कास्ट रिलीजियंस ट्राइब्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल. भारत के सभी नागरिकों जिसमें चाहे वे मेल हो या फीमेल पर्सन हो या किसी भी जाति से हो किसी भी धर्म और जाति से हो आर्थिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड जैसा भी हो बट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट. इसका अर्थ यह नहीं होता है कि किसी के साथ असमानता का व्यवहार किया जाए. इट डजंट. बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज. भारतीय प्रजातांत्रिक देश में द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी व्यक्तियों के साथ देश में रहने वाले सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है. व्हाइल अर्लियर नो लॉज एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. पहले लोगों के साथ इस प्रकार की बातें नहीं थी. डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट था. लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था जॉब से संबंधित वर्क से संबंधित भी डिग्निटी के साथ सम्मान के साथ उन्हें पेमेंट नहीं किया जाता था उनके कार्यों के लिए. पीपल वेयर ट्रीटेड इनइक्वली. नाउ देयर इज नो सच थिंग. लेकिन अब ऐसी बात नहीं है. ऑल पर्सन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी. This recognition of equality includes some of the provisions. First, इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में बराबर हैं. All persons are equal before the law. It means from the president of the country to Kanta, a domestic worker. सेम लॉ. इस समानता के सिद्धांत के आधार पर देश के एक काम करने वाली नौकरानी चाहे श्रमिक से लेकर देश के प्रेसिडेंट काम के सामने बराबर हैं. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. दूसरी बात कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर नस्ल या जात के आधार पर जन्म स्थान के आधार पर चाहे स्त्री पुरुष होने के आधार पर नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. नो वन कैन बी इनइक्वली ट्रीटेड. थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स होस्टल्स शॉप्स एंड मार्केट. थर्ड पॉइंट के देश के सभी नागरिकों को
देश की जो सार्वजनिक स्थाने हैं जिसमें खेल का मैदान, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स ऑल पर्सन कैन पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, देश के सभी सार्वजनिक स्थानों चाहे खेल का मैदान, होटल्स, शॉप्स और मार्केट्स सबके लिए इक्वली ओपन है और पर्सन कैन यूज पब्लिक अवेलेबल वेल्स, सार्वजनिक घाटों का, सार्वजनिक तालाबों का, सार्वजनिक कुओं का, सड़कों का, स्नानागार का, सब बराबर से उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। चौथी बात कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। टू वेज इन व्हिच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो तरीके से सरकार ने कोशिश की है समानता को सुनिश्चित करने की। पहला है फर्स्ट थ्रू द लॉज, समानता को और समानता की सुविधा को देश की सभी जनताओं के समान रूप से पहुंच सके, इसके लिए सरकार ने कानून का सहारा ली है। और दूसरी थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। दूसरे तरीके से देश के जो वंचित समुदाय हैं, सुविधाओं से जो पहले से वंचित रहे हैं, उन तक भी सारी सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच सके, इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उन डिसएडवांटेज ग्रुप के पास भी सारी सुविधाएं पहुंच सके, इसके लिए अनेक कार्यक्रम, अनेक योजनाएं बनाई है। और देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। और भारत सरकार ने कई कानून बनाई है जिससे कि सबों के साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। कई शताब्दियों से जो समाज के कुछ वर्ग देश में असमानता के साथ भेदभाव भी किया जाता था, उन्हें अब उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक उनकी पारिश्रमिक दिया जाए, ऐसी कई कानूने बनाई गई है। दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। देश के इन जनताओं को जो सारी सुविधाएं पहले नहीं मुहैया कराई जाती थी, जो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचती थी, आज सरकार ने कई प्रोग्राम स्कीम बनाई हैं, कानून बनाई हैं, जिससे देश के उन नागरिकों तक जो फॉर सेंचुरी शताब्दियों तक उन तक नहीं पहुंचती थी, वो सारी सुविधाएं अब उन तक पहुंच रही है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। अब माय देश में एजुकेशन फॉर ऑल के तहत माय देश में हम सार्वजनिक एजुकेशन फॉर ऑल देश में सभी लोगों के लिए शिक्षा, देश में चाहे वह लड़के हों या लड़कियां, एजुकेशन फॉर ऑल हैव बीन इक्वली प्रोवाइडेड। फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड मिड डे मील। इसके लिए सरकार ने समानता की सुविधा सबों को इक्वली पहुंचे इसके लिए स्कूलों में सार्वजनिक रूप से
मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 14 वर्षों तक के लड़की लड़कियों को आवश्यक रूप से एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद 6 months। दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। अब 2001 में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों से यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन के लिए निर्देश दिए है, दिस प्रोग्राम हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। इस योजनाओं का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। दिस प्रोग्राम हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे यह हुआ है कि अब देश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चे भी स्कूलों में बराबर रूप से पहुंचते हैं, पढ़ते हैं। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल द अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड। पहले जो स्टूडेंट लंच पीरियड में घर जाते थे पुनः वापस कम आते थे या नहीं आते थे, अब जब से सर्व शिक्षा अभियान में मध्यान्ह भोजन का मिड डे मील का व्यवस्था की गई है, ज्यादा अटेंडेंस स्टूडेंट का होने लगा है। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेज बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टूगेदर। अब यह हुआ है चाहे वह अपर क्लास के स्टूडेंट हो या लोअर क्लास के स्टूडेंट हो, वह एक साथ मिल बैठ करके मध्यान्ह भोजन करते हैं, स्कूल में लंच करते हैं। दलित वोमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। दलित महिलाओं को नियुक्त किया गया है जो वह मध्यान्ह भोजन बनाती है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमैक्स आर इम्प्टी। पहले ये जो देश के वंचित समुदाय थे, डिसएडवांटेज ग्रुप थे, उनके बच्चे भूख के कारण लंच के अभाव में स्कूल नहीं आते थे। अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि दलित समुदाय के लोग के बच्चे भी सब स्कूल आते हैं, और चाहे वो अपर क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के हैं, सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर के मध्यान्ह भोजन करते हैं, जिससे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बेहतर ढंग से अपनाई जा रही है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू। ओके।